नमस्कार, आईटी गांधीनगर सीएलआई के आंखों की चमक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम इस साधारण सी साइकिल की स्पोक, एक पेन, एक पुरानी सीडी और कुछ चुंबकों को इस्तेमाल करके हम बहुत ही मजेदार एक पेन स्टैंड बनाएंगे। आप अपने कॉपियों पर खूब सारा लिखें, बाद ये पेन हवा में जादुई तरीके से चुंबक के माध्यम से खड़ा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक साइकिल की स्पोक लेंगे और ये साइकिल की तीली, साइकिल के पहिए में जो तीली लगती है, किसी भी साइकिल की दुकान में आपको मिल जाएगी। इसका ये वाला सिरा जहां पर एक घुंडी बाहर निकली हुई है, इस तरफ हम अपनी उंगली की लगभग एक जितनी हमारी उंगली की चौड़ाई है उतना माप कर एक मोड़ लगा देंगे। कैसे, यहाँ पर लगभग हमने माप लगाया, इतनी चौड़ाई, इतनी दूरी पर एक मोड़ लगा दिया। अगर आपको मोड़ने में थोड़ा कष्ट हो तो प्लायर या प्लास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मोड़ने के बाद ये ऐसे दिखेगी। अब ये मोड़ के बाद जहां पर ये हमारी घुंडी लंबे वाली भुजा पर मिलती है, यहां पर एक वापस से नीचे की तरफ मोड़ लगा देंगे। तो दूसरा मोड़ लगाने के बाद ये हमारी साइकिल की जो स्पोक है वो ऐसे दिखेगी। और फिर इसके बाद ये पेन लेंगे हम, और पेन की जितनी लंबाई है वो इस मोड़ से नापने के बाद, जितनी पेन की लंबाई है यहां तक, पेन उससे लगभग आधा सेंटीमीटर और नीचे रखकर वापस से एक मोड़ लगा देंगे। अगर ऊपर वाला मोड़ इस दिशा में है, ये नीचे की दिशा में है, तो यहां पर मोड़ मेरी तरफ या आपकी तरफ होगा। ऐसा करने के बाद ये हमारी स्पोक आपको ऐसे दिखेगी। इसमें पहला मोड़ आपकी तरफ है, नीचे की तरफ, और ये दाएं या बाएं तरफ। हम एक और मोड़ यहां पर लगाएंगे, यहां पर नीचे का जो भाग है लगभग आधे में एक बार फिर से मोड़ देंगे उसी तरफ जिस तरफ हमारा सबसे ऊपर वाला मोड़ है। तो यहां पर बीच से हमने एक और मोड़ लगा दिया। अब यदि हम इसको अपनी सीडी के ऊपर रखते हैं तो देखिए बहुत ही सशक्त, एकदम स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड बन गया। बस अब हमें इसको अपनी सीडी पर टेप के माध्यम से चिपकाना है। एक टेप का टुकड़ा ले लिया और वो टेप का टुकड़ा ऐसे लगाया ताकि दोनों ही जो हमारे स्ट्रॉ के भाग थे उनके ऊपर ये टुकड़ा जाकर चिपक गया। अब हम ये पाते हैं कि ये स्टैंड हमारा बिल्कुल सीडी के ऊपर टाइट है। ये हमारी दो चुंबक जो हैं, ये रिंग मैग्नेट्स हैं। हम देखें यदि तो एक तरफ तो चिपकती हैं, और अगर हमने इसको उल्टा करके लगने की कोशिश करी तो ये नहीं चिपकेगी। विकर्षण, रिपल्शन की स्थिति में है, और अगर हम इस तरह रखें तो चिपकती हैं। उसी तरह बाकी जो इसके दोनों सरफेसेस हैं उसमें भी अगर हम अब इसको चिपकाने की कोशिश करें तो नहीं चिपकती है, लेकिन अगर इसको हम एक को उल्टा कर दें तो तुरंत चिपक जाती है। इस चुंबक में चार सरफेस आपको दिखने चाहिए, एक इस तरफ ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ये साइड वाला, और एक अंदर भी जो साइड है। तो चार हैं और लेकिन पोल इसमें दो ही हैं। अब इस चुंबक को हमने उठाकर इस पेन स्टैंड में रख दिया और दूसरी चुंबक पेन के ऊपर लगाएंगे। अब ये पेन पे हमने पाया कि ये चुंबक ढीली है, तो इसको ठीक से पैक करने के लिए एक कागज का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उस टुकड़े को इस पेन के ऊपर लपेट दिया, और ये लपेटने के बाद ये चुंबक ली और ये चुंबक इस पेन के ऊपर पहना दी। तो अब हमने पाया कि ये टाइट हो गई, बचा हुआ भाग हमने वापस से फिर फाड़कर हटा दिया। और अब हमें चुंबक ऐसी स्थिति में रखनी है पेन के ऊपर कि ये आकर्षण की स्थिति में। देखिए यहाँ पर आकर्षण नहीं है चुंबक में, तो हमने इस चुंबक की दिशा बदल दी। अब ये
चुंबक आकर्षित करती हैं। ये चुंबक अब हम साइकिल की स्पोक के जो स्टैंड बनाया उसके ऊपर रख दिया, इसके नीचे अगर हमने पेन ला के रखा, हम इसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये चिपकने की स्थिति में है। हाँ, ये चिपक रहा है। तो अब हम इस पेन को अगर नीचे रख दें तो ये हवा में लटक गया, पेन हवा में लटक कर घूमता भी है। आशा है आपको ये पेन स्टैंड पसंद आया होगा। धन्यवाद।